पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने रेवले पर उठाए हैं बड़े सवाल। क्या पुनर्वास की कोई योजना है ही नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से पूछा है कि ये यहां कई सालों से रह रहे हैं और उनके पुनर्वास की योजना के बिना केवल 7 दिन का वक्त देकर के उन्हें जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है, ये मानवीय नहीं है? बिल्कुल, और यही बात बार बार उठाई जा रही थी रोहित, कि ये लोग दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, पीढ़ियां इनकी यहाँ पर गुजरी हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ सवाल उठाए हैं कि आखिर कैसे हो सकता है कि सिर्फ 7 दिन देकर आप कह रहे हैं कि ये घर खाली करो और उनके पुनर्वास के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। ये मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि लोग 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए, उनको दोबारा बसाने के लिए आपके पास कोई योजना होनी चाहिए, हमें कोई प्रैक्टिकल समाधान निकालना होगा। और हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का। तो रवीश, यहाँ पर फिलहाल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रहा है वो तो जो लोग हैं हल्द्वानी के और जिनके ऊपर ये तलवार एक तरह से लटक रही है घर खाली करने की, उन्हीं के पक्ष में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, जो सवाल लोग भी उठा रहे थे और आप भी उनके मार्फत उठा रहे थे कि आखिर उनके पुनर्वास की कोई योजना क्यों नहीं है। आज बिल्कुल आदिति, क्योंकि जो 2 दिन से हम लोग सवाल उठा रहे थे और ये बार बार जता रहे थे कि ये जो घर बने हुए हैं ये कोई रातों रात घर नहीं बने हैं, इनको सालों लगा है घर बनने में और बाकायदा यहाँ सरकारी जो है वो स्कूल 4 बने हुए हैं, पानी की टंकी बनी हुई है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रतिष्ठान है, वो कैसे बन गए। और उससे भी बढ़ के सवाल ये है कि मानवीय जो है वो चिंताएं करनी है, उसकी चिंता ये है। जी, वहाँ पे लोगों के अंदर खासी नाराजगी दिखाई दे रही है और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है रवीश, कि इस इलाके में फिलहाल जहाँ लोग उतरे हुए हैं उस इलाके में, वहाँ पर अब तक कोई भी प्रशासन की तरफ से किसी भी पुनर्वास की कोई भी पहल की ही नहीं गई है 2013 से, जब से ये हाईकोर्ट ने मामला उठाया है और जब से उन्होंने कहा कि भाई इल्लीगल माइनिंग, अवैध माइनिंग हो रही है उसको लेकर के, तब से लेकर के अब तक कोई भी प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई पहल हुई नहीं थी। बिल्कुल। और यहाँ पर रोहित ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाना जो है वो शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाधान का ये तरीका नहीं है, जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न जो होने वाले कोई कोण है उनकी जाँच होना चाहिए। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि ये आप इस तरह से दशकों से रह रहे लोगों को अचानक ऐसे सिर्फ 1 हफ्ते में जाने को कह दें, ये कतई मानवीय नहीं हो सकता, ये असंवेदनशील है। जज ने ये भी अदिति पूछा है कि क्या पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाना लोगों को जमीन से खाली करने के लिए सही कदम है? ये सवाल जज ने पूछा है और अभी अभी कोर्ट से ये अपडेट लगातार आ रहे हैं, किसी भी वक्त इस पर अपना कोर्ट जो है फाइनल फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर एक तरह से कहा जाएगा यहाँ पर ब्रेक लगा दिया है, 4,000 घरों में फिलहाल कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। तो ये हल्द्वानी मामले में बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है तोड़फोड़ पर, रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। तो बहुत बड़ी राहत यहाँ पर आ रही है। हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला से जुड़ने के लिए, जो इस वक्त हल्द्वानी में उन्हीं लोगों के बीच में मौजूद हैं जिनके ऊपर ये तलवार लटक रही थी घरों को खाली करने की। और बहुत बड़ी खबर है ये, 4,000 घर, करीब 50,000 परिवार। रवीश, ये बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी राहत यहाँ पर लोगों के लिए है जो 50,000 लोग इससे जुड़े हुए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगा दी है, इनकार कर दिया है और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को और रेलवे को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है कि अब तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल जो है वो तोड़फोड़ नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और यहाँ मौजूद 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो धरने प्रदर्शन यहाँ पर चल रहे थे कि उनके मकान न टूटे, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है हाईकोर्ट के फैसले पर। और ये आप देखिए कि ये पिछले 20 तारीख के बाद से लगातार ये लोग सड़कों पर यहाँ पर थे अपने आशियाने को बचाने के लिए और अब इनके उस धरने प्रदर्शन और उस गुहार पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक रहेगी। उन्होंने ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मानवीय त्रासदी है उसके हिसाब से भी जो है वो सोचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिर इस तरीके के इलाके में सरकारी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, तो आखिर ये कैसे बन गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है तोड़फोड़ पर। किस तरीके का आप लोग देखते हैं, खुश हैं? खुश हैं, और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, और हमें ये उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानती है इस चीज़ को। एक ज़माने से 70-70 साल 80-80 साल से ये मकान बने हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से हमें ये भरोसा था हमें उस सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर खुशी की लहर है, जिस तरीके से सारे लोग अभी इसी जगह पर सड़कों पर बैठे हुए थे, अभी धरना खत्म हो गया है और एक बहुत बड़ी राहत हल्द्वानी के इस इलाके के लोगों को मिली है। और हमने दो दिन पहले भी ये जिक्र किया था अदिति कि इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आखिर कैसे यहाँ पर स्कूल और पानी की टंकी कैसे यहाँ पर बन गए। ये सारे जो आप घर देख रहे हैं ये कई सालों से यहाँ पर बने हुए हैं, 50 से 60 साल हो चुके हैं यहाँ पर लोगों को रहते हुए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसका एक मानवीय हल खोजा जाना चाहिए, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर में रोक लगा दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि फिलहाल तोड़फोड़ नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। एक अपडेट और है रवीश, एक अपडेट और है, दर्शकों को बता देते हैं कि 7 फरवरी तक अब इस मामले में रोक लग गई है। 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी, जब तक उत्तराखंड सरकार और बाकी जो रेलवे है उनको अपने जवाब देने होंगे, तो 7 फरवरी तक वहां फिलहाल कोई एक्शन नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, 7 फरवरी तक रोक लगा दी गई है, अब आगे सुनवाई होगी। तो एक बहुत बड़ी जो है वो यहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी है, सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है। आप लोग सड़कों पर इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, अभी यहाँ देखा बड़ी तादाद में महिलाएं रो रही थी अपने घरों को बचाने के लिए, तो एक राहत मिली है ना आप लोगों को? अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ कि आज लोगों की दुआएं उनके काम आई, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आगे आगे भी हमें कोर्ट से उम्मीद है, कोर्ट से उम्मीद है। तो यहाँ आप लोग रह रहे थे, जो बातें उठाई गई कि कई सालों से यहाँ पर मकान बने हुए थे, स्कूल यहाँ पर बने हुए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मानवीय जो है वो हल निकाला जाना चाहिए इसका। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को कंसीडर करा, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। और आपके चैनल के मीडियम से मैं अपने मेयर साहब से ये कहना चाहता हूँ, जो कि रूलिंग पार्टी के हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ कि स्टे मिल गया है सर, आप आ नहीं पाए, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाए, तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं इस बात के लिए, लेकिन मैं NDTV के माध्यम से आपको अपडेट करना चाहता हूं कि स्टे मिल गया है सर। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, और इसी के वजह से आप देखिए कि अभी जो माहौल है वो बड़ा हल्का हो गया है। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर महिलाएं रो रही थीं अपने घरों को बचाने के लिए, यहाँ पर दुआएँ पढ़ी जा रही थीं, तो ये एक राहत मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल भी उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि समाधान का ये तरीका नहीं है, ज़मीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालकाना हक की प्रकृति, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि रेलवे और राज्य सरकार की ज़मीनों का डिमार्केशन नहीं था, उसको भी देखा जाना चाहिए। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जो सबसे बड़ा जो है इस पर जो टिप्पणी आई है कि इसका कोई प्रैक्टिकल समाधान खोजना पड़ेगा, जो बात हम लोग कल से उठा रहे थे कि एक मानवीय त्रासदी के तौर पर है, क्योंकि 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं, इस कड़ाके की ठंड में अगर आप तोड़फोड़ करेंगे उनके घरों से तो कहाँ पर वो जाएंगे, जबकि पुनर्वास की कोई योजना सरकार के पास उस तरीके की नहीं थी। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक व्यवहारिक समाधान जो है ऐसी समस्याओं का निकाला जाना चाहिए, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सब सरकारी एजेंसियों को सिर जोड़कर बैठना चाहिए और ये खोजना चाहिए कि कैसे आखिर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, और जब सालों हो जाते हैं उसके बाद अचानक जो है एक दिन उनको याद आता है कि उनकी ज़मीन पर अतिक्रमण है, और उसके बाद में फिर बुलडोजर लगाकर गिराने की कार्रवाई शुरू। बिल्कुल रवीश, अभी भी जो आपके आसपास लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि व्यवहारिक समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल रवीश, और अभी भी जो आपके आसपास लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोगों तक अभी भी ये जानकारी नहीं पहुंची होगी, तो उनकी भी प्रतिक्रिया आपके थ्रू हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आज क्या कुछ कहा है, उसमें कहा है कि भले ही आपकी जमीन हो, कुछ लोगों ने कहा कि उसमें से 1947 से पहले से वो लोग रह रहे हैं, ऐसे में किसी ने लीज पर ली है, किसी ने नीलामी में खरीदा है, तो उन लोगों को आप कैसे खाली करने के लिए कह सकते हैं, और
सात दिनों का वक्त बहुत कम होता है और उनके पुनर्वास की कोई योजना होनी चाहिए। तो जो जो बातें रवीश ये सारे लोग इतने लंबे वक्त से उठा रहे थे, उस हर बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा है, एक तरह से उस बात को कंसिडर किया है। अजय बिल्कुल, क्योंकि हम लोग उठा रहे थे दो दिनों से कि भाई पुनर्वास का ब्लूप्रिंट आपके पास में नहीं है। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और उनसे ये पूछा कि क्या कोई पुनर्वास का आपके पास में कोई उपाय है, क्योंकि जब आप तोड़फोड़ अगर करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कहाँ पर जाएंगे। तो उनके पास फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पूछा है कि आखिर राज्य सरकार के पास में पुनर्वास का क्या क्या योजना थी। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मानवीय पहलू को भी जो है वो सरकार को देखना चाहिए और ये एक बहुत बड़ी बात है दीदी, क्योंकि एक मानवीय हर चीज़ जो है कायदे कानून नियम सब इंसानों के लिए बनते हैं, इंसान की सहूलियत के लिए बनते हैं, लेकिन अगर इंसान को उस तरीके से दिक्कत आने लगी तो इसको सबसे पहले सोच के फिर उसके बाद में चीज़ों को सोचना चाहिए। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक जो है वो मानवीय पहलू से इस पूरे समस्या को देखने की ज़रूरत है। देख सकते हैं आप कि तमाम सारे लोगों को अभी फिलहाल नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है, रोक दिया है, अभी फिलहाल आपके मकान नहीं गिरेंगे। राहत की बात है कि नहीं है? शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी की बात। 10 दिन के बाद में चेहरे पर हंसी आई है। हमारे घर की औरतें बहुत दुआएं कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी, सबकी दुआएं कबूल हुई। भारत सरकार ने हमारा पक्ष नहीं रखा, इस बात का हमें बहुत दुख रहेगा, लेकिन हमें भारत के न्यायालय पूरा सुप्रीम कोर्ट ने आपको न्याय दिया है इस मामले में, अभी कहा है कि तोड़फोड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का भरोसा था, बस हमें पूरा भरोसा था, पूरा सम्मान करते सुप्रीम कोर्ट का, सर भरोसा था हमें, सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिली, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। ये आप देखिए कि जो एक बेचैनी थी, और बेचैनी हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस घरों में जिन घरों में सालों से वो रहते आए हैं, अगर उस घर को रातों रात तोड़ने की बात कही जाए तो निश्चित तौर पर बेचैनी होना, बेचैन होना स्वाभाविक है। हौसला और घोंसला कहावत है कि जब वो टूटता है ना तो आदमी बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चेहरे मायूस थे, अब इनके चेहरे पर जो है वो खुशी लौटी है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस समस्या का मानवीय पहलू भी देखा जाना चाहिए और मानवीय तरीके से पूरी समस्या को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये आप देखिए, ये माहौल है इस वक्त सड़कों पर है, कहीं कोई जो है इस वक्त दुख या गम का माहौल नहीं है। जो अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर महिलाएं रो रही थी, दुआएं पढ़ रही थी, तो अब यहाँ आप देखिए कि हंसी खुशी का माहौल है और एक दूसरे को लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश। अब घर आपके आंटी जी नहीं टूटेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। बहुत खुश है। अच्छा, अभी तक आप लोग रो रही थी यहाँ दुआएं पढ़ने में, आप खुशी लौटी है? वाकई में बहुत, अच्छा बहुत ज्यादा खुशी है, चेहरों पर रौनक है। माता जी कितने सालों से यहाँ रह रही थी? हम यहाँ जितनी जिंदगी हो गई जब से ही रह रहे हैं, अच्छा के जमाने से। अच्छा, अभी ये 10 दिन बाद पहले पता चला कि आप लोग अवैध तरीके से यहाँ मकान बना हुआ था? नहीं, वो साजिश थी लोगों की। अच्छा, हमारे अपने मकान है निजी, 8 नंबर से रहने वाले थे हम लोग। चलिए, अब एक राहत मिली है सुप्रीम, बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। तो ये आप देखिए कि अभी जैसे जैसे खबर मिली है लोगों को कि भाई उनको राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिलहाल मकान नहीं तोड़े जाएंगे, तो लोगों ने तो चैन की सांस ली है। प्रशासन के लिए भी ये काफी दिक्कत वाली बात थी, प्रशासन के कई सारे अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, उनका भी ये कहना था कि इस तरीके से तोड़फोड़ करना जो है वो एक बहुत बड़े जो है आपको अमला डिप्लॉय करना पड़ेगा, एक बहुत रूपरेखा उसकी बनानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर प्रशासन ने भी चैन की बात सुन लेते हैं और लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी तक स्टे लगा दिया गया है। और आशीष भी जुड़ गए, आशीष जरा बताइए कि कोर्ट के अंदर जब हुआ तो अदालत ने किस तरीके से फटकार लगाई और क्या क्या सवाल पूछे उत्तराखंड सरकार से और रेलवे से, जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, रेलवे की तरफ से अपीयर हुए थे वकील एएसजी ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने बताया कि ये रातों रात ऐसा नहीं हुआ है, डिमार्केशन हुआ है और बाकायदा जो है वो इस तरह के अवैध निर्माण थे, और रेलवे की ये ज़मीन है और रेलवे की ज़मीन खाली करा रही है सीधा सा, और पुनर्वास की बात इन्होंने कभी नहीं की इन लोगों ने। वो चाहें तो रेलवे से इसके लिए बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, हम पहले से कह रहे थे कि एक मानवीय पहलू भी है, इतने सालों से लोग बसे हैं उनको एकदम नहीं हटाया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात
कही है कि इस मामले का एक मानवीय पहलू भी है, एक मालिकाना हक का जो दावा लोग कर रहे हैं वो भी हैं, और ऐसे में कोई प्रैक्टिकल समाधान, कोई प्रैक्टिकल हल होना चाहिए। रातों रात सालों से बसे लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा 7 दिन में आप अपना घर खाली कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ये जाँच करेगा। आप रेलवे की अगर ये ज़मीन है तो रेलवे को मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी कीमत क्या हो, लोग कह रहे हैं कि वो आज़ादी के ऐसे पहले से भी रह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने नीलामी में लीज पर भी ज़मीन ली थी, उनके मालिकाना हक का क्या होगा, आप इस तरीके से हटा नहीं सकते हैं। और जो पहले जो आदेश जारी हुआ था वो कोविड के समय हुआ था, जैसे प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, तो लोगों की बड़ी उम्मीद थी यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने वो जो उम्मीदें पूरी की हैं। फिलहाल कहा है किसी तरह का कोई बुलडोजर वहाँ पर नहीं चलेगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, रोक लगा दी है, 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहाँ पर आगे किसी तरह का कोई निर्माण या फिर डेवलपमेंट का जो काम है वो नहीं होगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है और इस बड़े मुद्दे में मौलिक अधिकार शामिल हैं, उस मौलिक अधिकारों में राइट टू शेल्टर यानी घर का जो मामला है वो सबसे बड़ा है। और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार से भी उसका पक्ष पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका स्टैंड क्या है, इतने सारे लोग हैं, इतने पुराने बसे हुए लोग हैं, क्या उनको रातों रात इस तरीके से हटाया जा सकता है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये चेताया है, ये बताया है, ये समझाया है कि जब मुद्दा मौलिक अधिकारों का हो, मुद्दा लोगों की घर की छतों का हो, मुद्दा उनके आशियाने का हो, तो कम से कम सरकारों को, रेलवे को मानवीय पहलू को देखना चाहिए। हर अवैध निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हो सकता है अवैध निर्माण भी कुछ हो, लेकिन हर अवैध निर्माण को या हर तरीके के निर्माण को, हर तरीके के लोगों को एक पेन से ब्रश नहीं किया जा सकता है। जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो रेलवे और सरकारों को मानवीय एंगल को देखना चाहिए, मानवीय पहलू को देखना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। 50-60 सालों से जो लोग बसे हुए हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि 7 दिनों के भीतर घर खाली कर दीजिए। हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि हाईकोर्ट के को इस तरीके का फैसला नहीं देना चाहिए था। एक बहुत बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ उठाया है, बहुत बड़ा दखल भी दिया है और ये भी बताने की कोशिश की है कि जब जब मौलिक अधिकारों की बात होगी और सरकारें या कोई विभाग इस तरीके से मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा, जहाँ पर हजारों लोगों के आशियाने की बात होगी, तो देश की सबसे बड़ी अदालत उसके बीच में खड़ी होगी। और यही आज एक बताया है और ऐसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रेलवे को ये बोला है, दिल्ली की शकूर बस्ती का भी ये मामला था, जब भी ये कहा था पुनर्वास योजना होनी चाहिए, ऐसे इतने लोगों को, इतने सालों से बसे हुए लोगों को आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उससे आगे बढ़कर कह रहा है कि एक प्रैक्टिकल समाधान ढूंढिए, ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को सीधे बोल दें कि आप घर खाली कर दीजिए या 7 दिन में हम तोड़ देंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम यहाँ पर हम इसे कहेंगे। और अब ये बात अलग है कि अब उत्तराखंड सरकार भी यहाँ पर आएगी, रेलवे भी अपना जवाब दाखिल करेगा, तो अब आगे जाकर क्या होगा। लेकिन लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए सुकून की बात यह है कि वो अपने घर में अब आसानी से, आराम से, शांति से सो सकेंगे उस आशियाने में जो उन्होंने बनाया है। बहुत बड़ा बने दखल रही हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उनका बयान आ रहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी को जो यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार का जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा और ये बात हम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा और ये बात उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कह रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड में जो हल्द्वानी में 4,000 घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और ये जो 4,000 घरों में रहने वाले 50,000 परिवार थे उनको बहुत बड़ी राहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सीधे रेलवे से और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और उनसे पूछा है कि आप इस तरह से 7 दिनों में अचानक उन्हें घर खाली करने को नहीं कह सकते, आपके पास उनके पुनर्वास की कोई योजना भी होना चाहिए। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सहयोगी आशीष भार्गव बने हुए हैं और रविशंजन शुक्ला हल्द्वानी में मौजूद है, उन लोगों के बीच में मौजूद है। आशीष, यहां पर एक सवाल और आपसे जानना चाह रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है रेलवे को और उत्तराखंड सरकार को, उसमें उनसे अपेक्षा क्या की गई है, क्या उनसे पुनर्वास की योजना मांगी गई है, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उनसे वो मांगा गया है या जो अब तक हुआ उसको लेकर जवाब मांगा गया है।
जी देखिए, सभी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात की है, पुनर्वास की क्या योजना है ये पूछा है। इसके अलावा जिनके पास कागजात हैं, मालिकान हक जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नीलामी में खरीदा है, लीज पर उन्होंने ज़मीन ली है, मकान बनाया, उनकी ओनरशिप के राइट वो कैसे होंगे, इस तरह कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, सारी चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर तमाम चीज़ों पर, तमाम पहलुओं पर जवाब देना होगा सरकार को, उत्तराखंड सरकार को भी और रेलवे को भी। लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि पुनर्वास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है मानवीय एंगल है, मानवीय पहलू है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं, सालों से लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों पर उनको ये जवाब देना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है, बड़ा दखल है, और ऐसे मोड़ पर जब लोगों को, हज़ारों लोग इंतज़ार में थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे, उम्मीद की किरण उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जो उम्मीदें हैं उनको बरकरार रखा है, और वक्त जरूर दिया है, लेकिन 7 फरवरी को अगली सुनवाई ज़रूर होगी, पूरा महीना अभी है, लेकिन इसके बाद भी ये सुनवाई आगे चलती रहेगी, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन निश्चित तौर पर लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत मानवीय पहलू पर उनके साथ खड़ी है, सरकारों को, रेलवे को ये नसीहत दे रही है कि जो संवेदनशील जो मामले होते हैं, लोगों के जिससे जुड़े जो मामले होते हैं, उनके आशियाने जैसे जो मामले होते हैं, उनमें सरकारों को, रेलवे को, सभी को एक मानवीय पहलू अपनाना चाहिए, मानवीय ढंग से सोचना चाहिए। एक बार रवीश के पास चलते हैं जानने के लिए कि मानवीय पहलू के लिए जो जिन लोगों के बीच खड़े हैं, रवीश जरा उनसे ये बात कीजिए कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया था, जिनकी नुमाइंदगी का उन्होंने अपनी तरफ से अपना अधिकार दिया था कि आप नुमाइंदगी कीजिए, उनमें से कितने लोग अब तक उनके समर्थन में आए थे और कितने लोगों ने उनकी आवाज उठाई थी, उसको लेकर वहां पे लोगों में क्या भावना है? जी देखिए, इस मानवीय पहलू का एक और भी पहलू है, वो है जो तमाम सारा यहां पर बहस हो रही थी कि एक राजनीतिक पहलू भी है। दरअसल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 6 सीटें हैं और 6 सीट में ये एक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है, बाकी सारे पर बीजेपी के लोग जीते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी आरोप था कि यहाँ से बीजेपी का विधायक नहीं है, इसके वजह से भी उनको जो है वो तमाम सारी दिक्कतें हो रही हैं, उसका एक राजनीतिक पहलू भी खोजा जा रहा था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये कहीं ना कहीं संदेश भी है कि अगर आप इतने पुराने अतिक्रमण को बिना पुनर्वास के अगर आप तोड़फोड़ करना चाहते हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक दे दिया है जो है दिशा निर्देश कि अब आपको सबसे पहले पुनर्वास का इंतजाम करना होगा, फिर आप इस तरीके से तोड़फोड़ कर सकते हैं। लेकिन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जितने भी चेहरे आप देख रहे होंगे खुश हैं ये लोग, क्योंकि जो पिछले 10-12 दिनों से इनके चेहरे पर मायूसी थी, घर टूटने का खतरा था, एक बेचैनी पाई जाती थी, तो उससे एक बहुत बड़ी इनको रिलीफ मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगा दिया गया है, अभी तोड़फोड़ नहीं होगा। किस सर क्या प्रतिक्रिया है आप सबकी? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई है मुसलमानों के लिए, बच्चे बुजुर्ग सब बहुत दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला उनकी दुआ भी सुनी है। देखिए, इतने लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं बरसों से, उनको भी ये देखना चाहिए, पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। कब से यहाँ पर दुआएं चल रही थी, इस्तीमे चल रहे थे, औरतें अपने घरों को छोड़कर रोडों पर बैठी थी, ये कोई अच्छी बात नहीं थी सबके लिए, बहुत अच्छा हुआ। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो, मेरा जन्म ही पर हुआ है। अच्छा। मेरे समय 45+ की मेरी एज है, और जब से मैंने देखा तो यहाँ पर ये लोग, शुरुआत में तो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आबादी बढ़ती गई, आबादी के साथ साथ सरकारी योजनाएँ यहाँ पर आई, सड़कें बनी, यहाँ बिजली के कनेक्शन लगे, यहाँ पानी के कनेक्शन लगे, यहाँ टेलीफोन के कनेक्शन लगे, और तमाम, और उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों ने यहाँ पर अपने भवनों के टैक्स दिए, यहाँ को कंटिन्यू कराया, मकानों को अपने नगर निगम में दर्ज करवाया, उसके बाद यहाँ पर लोग एजुकेशन, हमने नगर निगम में भी आता है, इन नगर निगम में टैक्स देते हैं हम लोग, हम खुद टैक्स देते हैं यहाँ नगर निगम का। ये आप देख सकते हैं, कई सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे, नगर निगम का टैक्स देते थे, सीवर की यहाँ पर लाइनें बिछी हुई हैं, जैसा हम बता चुके हैं, सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर, पानी की टंकी बनी हुई है, और यही नहीं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान है वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस तरीके से जबकि सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो अचानक जो है वो 20 दिसंबर को ये पता चला कि ये सारे मकान अवैध हो गए, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बेचैनी थी। अगर मैं थोड़ा सा आपको ये पूरा इलाका दिखाऊं,
ये आप देखिए, ये सड़क है, इसी सड़क पर पिछले कई दिनों से धरने प्रदर्शन यहाँ पर चल रहे थे। बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सड़कों पर कड़ाके की ठंड में बैठी हुई थी, और इस सड़क के जितना इस तरफ की आप मकान देख रहे हैं, इन्हीं मकानों को तोड़े जाने का खतरा था। तकरीबन 4,365 मकान जो हैं वो ये बने हुए हैं, और आप देख सकते हैं ये मकान, अगर आप देखेंगे तो ये कोई रातों रात मकान नहीं बने हैं, कई सालों से यहाँ पर मकान बने हुए हैं। ये आप देखिए सामने जो है वो बनफूलपुरा का जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। तो इन्हीं सब सारे जो है वो सवालों का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाई सरकारें, और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर ये कहा कि एक मानवीय पहलू भी इस समस्या का खोजा जाना चाहिए। जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर, हम सबसे पहले तो पूरे बनबुलपुरा वासी उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को समझा और हमें स्टे दिया। और जिस तरह से NDTV इंडिया हमारी आवाज़ को बराबर उठा रहा है, निरंतर उठाता चला जा रहा है, हम पूरे बनबुलपुरा क्षेत्रवासी आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा आभार न प्रकट करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज आप लोगों को बड़ी राहत दी है, और इसीलिए आप देखिए कि सारे लोग खुश हैं। सर, आपने हमारी अच्छी बात है कि एक मानवीय त्रासदी होने से फिलहाल बच गई है, और 7 फरवरी को अब जो है वो फिर से सुनवाई है। अब देखते हैं राज्य सरकार उसमें क्या कहती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था हल्द्वानी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा था कि अगर इस तरीके से मानवीय पहलू को ध्यान में न रखकर अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, अतिक्रमण हटाने के नाम पर सालों पुराने घरों को आप हटाएंगे, तो इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आपसे कड़े सवाल पूछेगा, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही था कि आखिर ये मकान कैसे बन गए, आखिर यहाँ पर सरकारी जो प्रतिष्ठान है, स्कूल है, बैंक है, पानी की टंकी है, ये कैसे बन गई, पुनर्वास की योजना आपके पास में क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारे जो सवाल हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, और उन सवालों का कहीं ना कहीं जवाब नहीं सुप्रीम कोर्ट को मिल पाया। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है, और अब ये मकान फिलहाल तोड़े नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है बनपुरा के लोगों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे थे, मायूस थे। बिल्कुल, ये मायूस थे और इनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, किसी का आशियाना छिनने की बात आ जाए तो कोई भी महसूस कर सकता है कि क्या कुछ उन लोगों पर बीत रही होगी। और अब धीरे धीरे जब खबर उन सभी लोगों तक पहुंच रही है तो आपके साथ जो आसपास जो लोग खड़े हैं उनके चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है जो थोड़ा सा हो सकता है राजनीतिक लगे, लेकिन यहाँ पर सरकारी कॉलेज भी बने हुए हैं, सरकारी स्कूल भी है, अस्पताल भी बने हुए हैं, तो अगर अतिक्रमण की जमीन है तो यहाँ पर सरकार ने भी निर्माण किए हैं, तो सरकार से भले ही अभी सरकार को नोटिस जारी कर दिया हो, लेकिन सवाल तो सरकार पर भी उठेंगे कि अतिक्रमण की जमीन थी तो आप उस पर क्यों निर्माण कर रहे थे। जी बिल्कुल ठीक बात है, और ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके, क्योंकि अभी तो हमने पहले भी कहा कि अंतरिम उपाय सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, बट ये भी बोला है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वहां पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज को और यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता, उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर अगर ये प्रूव हुआ कि वो जमीन अगर इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब, क्योंकि ये मामला उस तरह का नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बस गई हो या फिर रेलवे के किनारे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियां बसी हो, ये मामला है जहाँ पे घर है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो बस 7 दिन के अंदर इस तरह से आप घर, स्कूल, कॉलेजेस को नहीं तोड़ सकते। इसका कुछ ना कुछ तो बीच का उपाय निकालना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से या वकील की बयान आप सुन रहे थे जो पूरी जानकारी बता रही थी। एक बड़ा सवाल अदिति और हमारे दोनों संवाददाताओं से भी है, देखिए एक चीज, हमें एक चीज ब्रेक से पहले एक बात कहना चाहूंगा
कि ये वही देश है जहां धारा भी है मुंबई में, जिसमें अभी तक वैधानिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये वही देश है जहां जहां झुग्गी वहां झोपड़ी करके प्रधानमंत्री दिल्ली में एक स्कीम चलाते हैं और तमाम जो अवैध कॉलोनियां उनको रेगुलराइज कर दिया जाता है। और ये वही देश है जहां पर एक पूरा 4,300 से ज्यादा जो मकान बने हुए उन पर रातों रात उठाने और उनको खत्म करने की बात कही जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय पहलू दिखाते हुए उस पर पहल ली है और इस पूरे फैसले पर लोगों की मुस्कान देखिए कम से कम एक राहत के साथ दिखाई देती है कि वो अब कम से कम सुखी और वहां पर अब 7 फरवरी तक तो कम से कम रोक लग ही चुकी है, तो अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।